फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा अलग अलग न्यू लोकेशंस पे लेके आती हूँ। तो आज ही मैं आपको एक अमेजिंग सी लोकेशन पे लेके आई हूँ। लोग मुझे बहुत सारी क्वेरीज करते रहते हैं कि उन्हें कम बजट में घर चाहिए होता है, तो मैं आपको उसी बजट में जो है लेकर आई हूँ। मैं आज आपको 2BHK दिखाने वाली हूँ। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ तो 106 गज का जो है हमारा 2BHK फ्लैट रहेगा। अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूँ तो सेक्टर 115 मोहाली जो है हमारी लोकेशन रहेगी। 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है हमारा बस स्टैंड आ जाएगा। अगर मैं हमारी लोकेशन को डिस्क्राइब करूँ तो 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा बस स्टैंड आ जाता है। CGC कॉलेज की बात करूँ तो वो भी हमारे 1 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ, हमारा प्रोजेक्ट जो है खुनी माजरा से 250 मीटर की दूरी पर है। तो अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो गेटेड सोसाइटी रहेगी। 24/7 यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलने वाली है, वाटर सप्लाई एंड आपको पावर बैकअप इसके अंदर बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हमारे सैंपल फ्लैट की तरफ। अब मैं आ चुकी हूँ हमारे फ्लैट के मेन एंट्रेंस पे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हर फ्लोर पे आपको 2 फ्लैट्स मिलेंगे, एक स्टेयरकेस मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, चलते हैं हमारे फ्लैट के अंदर। फ्लैट के मेन एंट्रेंस पे ही आपको बहुत प्यारा वुडन का डोर मिल जाएगा। अगर मैं हैंडल की बात करूँ, काफ़ी अच्छा आपको हैंडल मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं। एंटर करते हैं हमारा ड्राइंग एरिया आ जाता है। 2BHK में आपको 3BHK की फील मिलने वाली है। लोगों को ज़्यादातर क्या होता है कि 2BHK में आए हैं तो डाइनिंग और ड्राइंग एरिया तो बहुत ही छोटा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छी स्पेस में आपका ड्राइंग और डाइनिंग एरिया मिल जाता है। तो अभी मैं खड़ी हूँ हमारे ड्राइंग एरिया की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पे 8 सीटर सोफ़ा लगा हुआ है, उसके बावजूद भी कितनी अच्छी स्पेस है। यहाँ पे सेंटर पे इन्होंने बहुत अच्छा टेबल ऐड किया हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत अच्छी आपको स्पेस मिलने वाली है। अब मेरे राइट हैंड पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा LED पैनल इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। साइड पे बहुत प्यारा डेकोरेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लगाई हुई है। तो अब हम चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। देखिए, हर घर में पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है, तो यहाँ पर हमारे लिए भी देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत प्यारा मंदिर यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। आप भी कुछ इस तरीके से और अच्छी स्पेस में जो है अपना मंदिर बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत अच्छी आपको स्पेस मिल जाती है। इन्होंने वॉल पे बहुत प्यारा वॉलपेपर भी लगाया हुआ है, तो आप भी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो है वॉलपेपर लगवा सकते हो, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और अब मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की, तो आप पूरे घर में देख सकते हो फॉल सीलिंग आपको बहुत ज़्यादा क्लासिक लुक में मिलने वाली है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह भी की हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपने इस पूरे फ्लैट को डिज़ाइन भी करवा सकते हो। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन किचन की तरफ, जो हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो L शेप में जो है आपका किचन रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेनाइट मार्बल का बहुत अच्छा वर्क किया हुआ, बट अगर आपको अपने अकॉर्डिंग जो है ये टाइल वर्क करवाना तो आप वो भी करवा सकते हो। ये ऑप्शन भी आपको इस फ्लैट के अंदर मिलने वाली है। डबल सिंक आपको मिल जाता है, प्लस आप देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत प्यारा टाइल वर्क किया हुआ है। ऊपर आपको हाइड्रोलिक कैबिनेट्स मिल जाते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 2BHK में आपको किचन के अंदर भी जो है फॉल सीलिंग मिल जाएगी, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। अब मैं बात करूँ नीचे भी आपको सॉफ्ट क्लोजर के जितने भी है कैबिनेट्स मिल जाएंगे। तो इस घर के अंदर आपको कैबिनेट जो है सॉफ्ट क्लोजर मिलने वाले हैं। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हो बहुत अच्छी यहाँ पे विंडो बनाई हुई है। ये आपको आपके फ्रंट डोर से जो है डायरेक्टली कनेक्ट करती है। आप देख सकते हैं, आप अपनी प्राइवेसी जो है मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई आया तो आप यहाँ से ईजिली जो है उन्हें देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम में जाने के लिए हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे जो है गेट आपको मिल जाता है, डोर मिल जाता है वुडन का। तो एंटर करते ही जो आपको देखने को मिलेगा ये हमारा LED पैनल जो है आप देख सकते हो। आप इसे भी अपने अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन करवा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे किंग साइड बेड लगा हुआ है, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाती है। आप यहाँ पे साइड टेबल्स भी लगा सकते हो, लैंप लगा सकते हो। आप देख सकते हो बेड बैग पे बहुत प्यारा इन्होंने वॉलपेपर लगाया है। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगी, आप यहाँ पे अपने पसंद के अकॉर्डिंग जो है वॉलपेपर लगवा सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग भी ऐड की हुई है। इस रूम में भी आपको जो है फॉल सीलिंग मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग मिलने वाली है। यहाँ पे आपको लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिल जाती है। अब हम बात करें हमारे अटैच वॉशरूम की, तो काफ़ी अच्छा आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। वॉल टू वॉल जो है यहाँ पे टाइल वर्क कराया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन भी चूज़ किया है। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी यहाँ पर लगाई गई है। तो अब हम चलते हैं हमारे वार्डरोब की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे स्पेस में जो है आपके वार्डरोब आ जाते हैं। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे वार्डरोब मिल रहे हैं। यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल इस साइज़ का जो है वार्डरोब बनाया गया है, लेकिन जब आप यहाँ पर इस घर को परचेज़ करेंगे तो आपको टॉप से एंड तक का जो है आपको वार्डरोब मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो ये देखा आपने हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो ये हम आ चुके हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। आप देख सकते हो यहाँ पर भी किंग साइज़ बेड लगा हुआ है, उसके बावजूद भी कितनी अच्छी स्पेस आपको मिल रही है। साइड पे आप टेबल्स ऐड कर सकते हो, लैंप ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे बेड बैक पे बहुत अच्छा यहाँ पे वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, पेंटिंग यहाँ पे ऐड की हुई है। तो आप भी इस तरीके से जो है इस वॉल को डिज़ाइन कर सकते हो। मेरे राइट हैंड पे आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे वार्डरोब मिल जाती है। तो ये जो वार्डरोब है आपको पहले से ही इस घर के अंदर मिलने वाली है। टॉप से एंड तक के जो है आपके वार्डरोब्स रहेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे LED पैनल की तरफ। आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी आपको LED पैनल मिल जाती है। आप इसको अपने कलर या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन करवा सकते हो, या ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। प्लस आपको इस रूम में भी जो है फॉल सीलिंग मिलने वाली, काफ़ी डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इस डोर की। जो ये डोर है हमारे बैक यार्ड से जो है हमें कनेक्ट करती है। काफ़ी अच्छी स्पेस में जो है हमारा बैक यार्ड आ जाता है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे बैक यार्ड पर। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी स्पेस में आपका बैक यार्ड आ जाता है। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया भी क्रिएट कर सकते हो। एक और चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पे जो है अपना डोर भी आप लगवा सकते हो। इसके जस्ट बैक में ही जो है आपको 6 फीट की काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। ये स्पेस जो है आपके दूसरे जो सामने अपोजिट में जो फ्लैट रहेगा, 6 फीट का गैप रहेगा, ताकि लाइट एंड वेंटिलेशन आपको अच्छे से मिलती रहे। और अगर आपको 2 व्हीलर भी यहाँ पे अपना रखना है तो आप इजीली जो है यहाँ पे रख सकें। तो ये देखा आपने हमारा बैकयार्ड। अब हम चलते हैं हमारे वॉशरूम की तरफ। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी स्पेस में आपका वॉशरूम आ जाता है। 106 गज की स्पेस में आपको इतना खुला डुला आपको पूरा जो बेडरूम्स, हॉल प्लस वॉशरूम मिलने वाले हैं, वो आपको इसी 2BHK फ्लैट में मिलने वाला है। आप देख सकते हो वॉल टू वॉल यहाँ पे टाइल वर्क किया हुआ है, ब्रांडेड फिटिंग आपको इसके अंदर मिल जाती है। काफ़ी अच्छा वॉशरूम आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये देखा आपने हमारा 2BHK फ्लैट। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि न्यू प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती रहे। लाइफ साइड विजिट का सिर्फ ये पर्पस है कि आपको बेस्ट डील एंड बेस्ट सर्विस दे, बेस्ट प्रॉपर्टीज़ दे। और अब मैं इस फ्लैट के साथ जो आपको अमेनिटीज़ मिलने वाली है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो है हमारा पूरा प्रोजेक्ट है 13 एकड़ का रहने वाला है। इसके अंदर आपको वेल मेंटेन पार्क मिलने वाले है, पूरी गेटेड सोसाइटी रहेगी। आपको 24/7 जो है यहाँ पे सिक्योरिटी मिलने वाली है। आप यहाँ पे CCTV कैमराज भी जो है इजीली लगवा सकते हैं। अगर मैं इसके एलिवेशन की बात करूँ तो G+2 हमारी एलिवेशन रहेगी। तो इस 2BHK फ्लैट को अपना बनाने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें और इसे जल्द से जल्द जो है अपना बनाएँ। थैंक यू।